चुनाव ना हुआ, परिस्थितियां ऐसी बन गई कि जैसे लगातार आरोप लग रहा है कि ब्यूरोक्रेसी जो वहां पर जो तमाम अधिकारी हैं उन सब का पॉलिटिसाइजेशन, राजनीतिकरण हो गया है। क्या विश्वविद्यालयों की भी यही हालत है? जल्दी से रिजू जी एक छोटा सा जवाब, उसके बाद मैं आपके पास आऊंगी सुधांशु जी जवाब लेने के लिए। आप इसका मतलब समझ रहे हैं? गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर के विश्व भारती विश्वविद्यालय में आज वाइस चांसलर पीएम को चिट्ठी लिखे, कहे कि उनको धमकी मिल रही है। देखिए अंजना जी, बात यह है ना कि बीजेपी ने हर एक स्टेट मशीनरी, वो सीबीआई हो, ईडी हो, आईटी हो, ईसी हो, अभी तो यूनिवर्सिटी भी, सब सब कुछ को पॉलिटिसाइज कर दिया है। और बीजेपी जैसे वाई कैटेगरी और जेड कैटेगरी की सिक्योरिटियां बांट रहे हैं आम जनता के पैसे पे, तो ये तो होना ही था। कल कोई दो रुपए का चाय बेचता है, वो बेचारा भी उठ के बोलेगा मैं जय श्री राम कहता हूँ, मेरे को भी सिक्योरिटी दे दो। ये तो हालत कर दिया। वाइस चांसलर झूठ बोल रहे हैं। वाइस चांसलर का अगर आप इतिहास में जाएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि क्या सही है क्या गलत है। और मुझे लगता है कि इनको अभी सब नेताओं का वाई सिक्योरिटी और जेड सिक्योरिटी देख के इनको थोड़ा इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स हो रहा है, इसलिए इनको भी अभी सिक्योरिटी चाहिए, क्योंकि उनको पता है बीजेपी से ऐसे ही जनता के पैसे बांट रहे। सुधांशु जी जवाब दीजिए। देखिए, भय की राजनीति करना तृणमूल कांग्रेस का चरित्र है, इसलिए जो नेता तृणमूल छोड़ते हैं सबको सिक्योरिटी को लेनी पड़ती है। वाइस चांसलर का आज का यह वक्तव्य यही दर्शाता है। और हमारे तो सैकड़ों कार्यकर्ताओं को जान से हाथ धोना पड़ा। रिजु दत्ता जी, अभी आपने राहत इंदौरी का जो शेर सुनाया था ना, उसकी पहली वाली लाइन याद कर लीजिए, वो हमारे लिए है आपके विरुद्ध, कि अगर है खिलाफ तो खिलाफ होने दो, ये सब धुआं है, कोई आसमान थोड़ी है। और माना खिलाफत है बहुत मजबूत, लेकिन हमारी तरह लिए हथेली पे जान थोड़ी है। तो हमारे सारे कार्यकर्ता हथेली पे जान लेके बैठे हैं। वर्तमान अध्यक्ष नड्डा जी, पूर्व अध्यक्ष अमित शाह जी, किस किस पे आक्रमण नहीं हुआ है, इसलिए जनता को वह चरित्र पता है। अब मैं इसके ऊपर आता हूं। अंजना जी देखिए, बड़ी मजेदार बात है, भारत की परंपरा में गोत्र सामान्यता जीवन में दो ही अवसरों पर बोला जाता है, एक शादी के समय, विवाह के समय, और दूसरा यदि माता पिता की मृत्यु हो जाती है तो उनके अंतिम संस्कार और तर्पण के समय। और यहां आप संयोग से देखिए, एक 51 वर्षीय युवा ने अपना गोत्र बोला था, 66 वर्षीय बेटी अपना गोत्र बोल रही है। अब एक युवा ने तो विवाह नहीं हुआ था उनका, मगर तर्पण कर दिया अपनी पार्टी का। अब मुझे लगता है दूसरी पार्टी के तर्पण की तैयारियां चल रही है। और अभी राजनीतिक दृष्टि से मैं कह रहा हूं, तर्पण की तैयारियां चल रही है। और अभय जी ने जो बात बोली, इतने अच्छे अच्छे उन्होंने श्लोक बोला। अब अभय जी मैं जवाब दे दूं ना, सारे प्रश्न हम ही से थे, तो मैं अपना वक्तव्य पूरा कर लूं फिर आप बोलिएगा। अभय जी ने इतना बढ़िया सब कुछ बोला, मगर भूल गए जनाब, कुर्ते के ऊपर जनेऊ पहने हमने किसी को नहीं देखा था। जनेऊ हम लोग ही पहनते हैं, कुर्ते के ऊपर नहीं। और उनके बाबा मरहूम फिरोज साहब इलाहाबाद की पारसी सिमेट्री में रेस्टिंग प्लेस है। सिमेट्री को हिंदी में कहते हैं कब्र, यानी पारसी समुदाय के कब्रिस्तान में वो आराम से बैठे हैं। और यह जनेऊधारी, मुझे वही पंक्ति याद आती है, धर्म बदल गई, जात बदल गई, अब आया है गोत्र, और बाबा बैठे सिमेट्री में और जनेऊधारी है पौत्र। और आपने कहा मां कामाख्या की अर्चना की, मगर याद रखिए मां कामाख्या की अर्चना से वो सारे पाप नहीं धुलने वाले कि मंदिर जाने वाले छेड़खानी करते हैं, भगवान राम तो थे ही नहीं, इस प्रकार की और हिंदू आतंकवाद होता है। और बदरुद्दीन अजमल के साथ असम में, फुरफुरा शरीफ के गद्दी नशी के सिजदे में बंगाल में, और मुस्लिम लीग के साथ केरल में, और उसके बाद कहेंगे हम जनेऊधारी हिंदू हैं, तो इनको बाकी सबने दोहा सुनाया, एक और दोहा सुनाया देता हूं कि इनके लिए ऐसा कहा गया है हमारे पंचतंत्र में, भगत और बगुला भगत की कहानी है, तो यह दोहा इनपे चरितार्थ होता है, अंदर से मैलो हियो और बाहर रूप अनेक, नारायण तासो भलो कौआ तन मन एक। अभय दुबे जी, माला फेरा जुग भया, फिरा न मन का फेर, अरे सत्ता की माला डाल दे, धर्म की माला फेर। सुधांशु त्रिवेदी जी, कितना दोहरा चरित्र है आपका। अरे एक बार साहस को तो बोलिए, असम में सीए लागू करेंगे कि नहीं करेंगे? तमिलनाडु के घोषणा पत्र में कहते हैं सीए लागू नहीं करेंगे, बंगाल जाते हैं तो मुखरता से कहते हैं कि सीए लागू करेंगे क्योंकि बांटना चाहते हैं। अरे 10 जनवरी 2020 को सीए का नोटिफिकेशन हो गया, एक साल लग गया, रूल फ्रेम नहीं किए क्योंकि असम में हार का डर सता रहा था। देखिए देश के लोगों, ये देश के साथ षड्यंत्र कर रहे हैं क्योंकि ये भीषणतम बेरोजगारी के अपने
दुष्कर्म को छुपाना चाहते हैं। ये जो आर्थिक अवनति इन्होंने की है, -23.9% की ग्रोथ हिंदुस्तान में परोस दी, उसको छुपाना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि जो औद्योगिक विकास को इन्होंने गर्त में डाल दिया, जो हिंदुस्तान की विरासत को सेल पर लगा दिया, उससे मुखौटा लगा ले और धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, भेषा भूषज के नाम पर इस हिंदुस्तान को लड़ा दे। ये मुखौटा इनका उतरना चाहिए। अंजना जी एक मैं उदाहरण इनसे चाहता हूं, आज सुधांशु जी कहे कि हाँ हम असम में जिस दिन जीतेंगे उस दिन लागू करेंगे सीए, वहां तो बोलने से बचते हैं। हमने कहा है कि हम असम की अस्मिता को बचाएंगे, हम सीए वहां लागू नहीं होने देंगे, हम असम अकॉर्ड में आस्था रखते हैं, हम असम की भाषा, भूषा, वेशज, संस्कृति को संरक्षित करेंगे।